तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास है फिलिप्स का स्टेलर ब्राइट टी बल्ब जो कि 10 वॉट्स का है, और इसके साथ आपको मिल रहा है B22 सॉकेट जो कि इंडिया में कॉमनली यही यूज़ होता है। और आप लोग जानेंगे आगे वीडियो में इसको कि कैसे इसको आप लोग डिसमेटल कर सकते हो, तो बने रहिए चैनल पे देखने के लिए। और ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से इस छोटे सी जगह में सर्किट को एडजस्ट करते हैं ताकि ये इसके अंदर फिट हो जाए। तो सबसे पहले खोलने के लिए आप लोग को कुछ इस तरह का एक टेस्टर चाहिए होगा जिसकी मदद से आप इजीली इसको पुल कर पाओ, जो रिफ्रेक्टर है आगे उसको पुल कर पाओ। तो सबसे पहले सेंटर से आप लोगों को प्रेस करना होगा ताकि इस तरह से ये ओपन हो चुके, और स्लाइड करते जाना है आपको कॉर्नर की साइड। जैसे ही कॉर्नर की साइड आप लोग स्लाइड करते जाओगे तो इसके अंदर जो ग्लू लगा रहता है वो अच्छे से निकलता जाएगा और आपका जो है बॉडी रिफ्रेक्टर को छोड़ के निकल जाएगी। फिर सेम नेक्स्ट साइड हम लोग को जाना है। और जैसे ही एक तरह से आपकी बॉडी ओपन हो जाए तो आपको जाना है दूसरी तरफ। तो इस तरह से कुछ आपका ओपन हो जाएगा। और इस तरह से खुल जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक से लेके 40 लिखा हुआ है, ये इसमें 40 LEDs अवेलेबल है और ये बल्ब है सिर्फ 10 वॉट का। तो इसमें सभी जो 40 LED है उसमें आपका 10 वॉट जो है डिवाइड हो चुका है। तो चलिए देखते हैं अभी इसके नीचे सर्किट किस तरह से बिठाई गई है और कितनी छोटी सर्किट अभी इस्तेमाल होती है इस तरह की लाइट्स में। और ये इस तरह से एडजस्टेबल भी है और ऐसे घूम भी सकता है। तो पहले हम लोग सोल्डरिंग पॉइंट जो इसको निकाल लेंगे। तो सोल्डरिंग भी काफी तगड़ा लगाया गया था, जैसे कि डिसमेंटल हो चुका है सोल्डरिंग पॉइंट्स। तो इसको ओपन करेंगे फिलिप्स वाले स्क्रू ड्राइवर से। तो जैसे कि आप लोग LED का ये सेक्शन देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा एल्यूमिनियम का बना हुआ है और इसके ऊपर ये प्रिंट किया गया है पूरा सर्किट बोर्ड। आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ से एक नंबर से लेके ये सर्किट शुरू होती है, 2 3 4 5 6 ऐसे करके पूरा सर्कुलरली यहाँ से घूमते हुए ये आता है 40 नंबर पर, और यहाँ पे होता है कनेक्ट माइनस वाले के सोल्डरिंग पॉइंट के साथ। तो ये पूरा एल्यूमिनियम स्ट्रिप है, जैसे कि हम लोग के पास स्कूल में हम लोग स्केल्स लेके जाते थे जिसको हम रोलर या फिर स्केल कहते हैं, उसी तरह का एक स्ट्रिप है 12 इंच का, उसमें पूरा सेट किया गया। और नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा एक छोटा सा सर्किट, कुछ इतना ही सर्किट आपको मिल जाएगा। उसको भी हम लोग, मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको कितना छोटा सर्किट है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को यहाँ से करना होगा हीट। तो जैसे कि अगर आपका सोल्डरिंग आयरन इस पे अगर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप लोग को ना एक काम कीजिए, इसको है जो सोल्डरिंग पॉइंट है उसको थोड़ा सा स्क्रैच कर लीजिए अच्छे से ताकि ऊपर का जो लेयर है एक वो निकल जाए और अंदर की तरफ जो सोल्डरिंग लिक्विड रहता है वो अच्छे से अनकवर हो सके, क्योंकि ऊपर की तरफ एक प्रोटेक्शन जैसी कोटिंग रहती है जो सोल्डरिंग कनेक्टर्स या फिर पॉइंट्स होते हैं उसको मेल्ट होने से प्रोटेक्ट करती है।
तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो चुका है, तो धीरे धीरे पूरा मेल्ट करके जो है इसका इस तरह से आप लोग निकल सकते हैं, या फिर आपके पास सक्शन कप हो तो आप सक्शन कप की मदद से भी इसको रिमूव कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो जैसे ही आप लोग इसको हीट करते करते सोल्डरिंग पेस्ट रिमूव करोगे तो कुछ इस तरह के दो पॉइंट्स आपको रिवील होंगे जो कि सीधा पीछे की तरफ सर्किट से कनेक्ट होते हैं। तो इसको हीट करते हुए आपको प्रेस करना है नीचे की तरफ और होल से पास करते हुए पीछे की तरफ आपको लेके जाना है। और हो सके तो पीछे की तरफ से आप सर्किट को भी पुल कर सकते हो इसको हीट करते समय। तो कुछ इस तरह से आपका जो है सर्किट बाहर आ जाएंगी और ये जो वायर्स थे वो इसके साथ कनेक्ट रहते हैं जो कि डायरेक्टली आपके 240 वॉट्स डायरेक्ट कनेक्शन के साथ आपका कनेक्ट होते हैं। तो कुछ इस तरह की इतनी छोटी सर्किट होती है इस 10 वॉट्स की एलईडी को चलाने के लिए। तो ये वीडियो था फ्रेंड्स कि आप टी बल्ब को कैसे डिसमेंटल कर सकते हो, और बने रहेगा चैनल पे क्योंकि इसी एलईडी को लेके मैं एक नया प्रोजेक्ट का वीडियो जो है अपलोड करने वाला हूँ। तो बने रहिए चैनल पे, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और हो सके तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।